लोकसभा चुनाव का शंखनाद हो गया है और ऐसे में छिंदवाड़ा लोकसभा सीट पर 19 अप्रैल को मतदान होगा, जहां 23 प्रत्याशियों ने नामांकन पत्र दाखिल किए थे, लेकिन नाम वापसी की आखिरी तारीख तक 8 प्रत्याशियों ने अपने हाथ वापस खींच लिए। ऐसे में अब छिंदवाड़ा के रण में 15 प्रत्याशियों के बीच मुकाबला होगा। देखिए रिपोर्ट। लोकसभा चुनाव 2024 में छिंदवाड़ा संसदीय सीट से अब 15 प्रत्याशी मैदान में हैं। नामांकन प्रक्रिया में 23 प्रत्याशियों ने लोकसभा सीट छिंदवाड़ा के लिए नामांकन दाखिल किए थे, लेकिन आज नाम वापसी के आखिरी दिन 8 प्रत्याशियों ने अपने नाम वापस ले लिए हैं। अब लोकसभा निर्वाचन के लिए छिंदवाड़ा से 15 प्रत्याशी मैदान में हैं, जिनके बीच चुनाव होगा और इन 15 प्रत्याशियों के लिए मतदान किया जाएगा। जैसा कि आज आपको पता है कि भारत निर्वाचन आयोग के कार्यक्रम के अनुसार आज नाम वापसी का आखिरी दिन था छिंदवाड़ा संसदीय क्षेत्र से। जो नाम निर्देशन पत्र प्राप्त हुए थे वो थे 23 अभ्यर्थियों के जो थे, जो सही पाए गए थे जांच उपरांत, उसमें से आज 8 अभ्यर्थियों ने अपने नाम वापस लिए हैं। उसमें से श्री अरविंद यादव, श्री गजानन मड़के, श्री श्याम शिवहरे, श्री जमकलाल सरयाम, श्री अब्दुल जाहिद मंसूरी, श्री हेमंत गोहर, श्री विनोद पाठक और श्री विजय किशन प्रताप बहादुर, इन 8 अभ्यर्थियों ने अपने नाम आज वापस किए हैं। और इसके बाद अब छिंदवाड़ा संसदीय क्षेत्र में जो चुनाव होना है उसके लिए 15 अभ्यर्थी चुनाव मैदान में हैं। बता दें कि छिंदवाड़ा से इस बार भी प्रमुख मुकाबला कांग्रेस के नकुल नाथ और भाजपा के विवेक बंटी साहू के बीच होने की संभावना है। हालांकि गोंडवाना से भी एक प्रत्याशी मैदान में है, जो छिंदवाड़ा लोकसभा सीट में निर्णायक भूमिका निभा सकते हैं। दरअसल छिंदवाड़ा लोकसभा में लगभग 40% मतदाता आदिवासी हैं, जो चुनाव में निर्णायक की भूमिका में रहते हैं, और इसके अलावा अन्य 12 दावेदार भी मैदान में शेष है। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज, छिंदवाड़ा।